शहजादा हुजूर आला हजरत हजरत शाह मुफ्ती मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान अलमारूफ मुफ्ती आज़मुद्दीन अली रहमा की तारीख़ मिसाल है आज। और मेरे उस्ताद गिरामी बकीयतुस सल्फ हुजूर बहरुल उलूम मुफ्ती अब्दुल मन्नान आज़मी अली रहमा का भी मुझसे बात है। ये दोनों वो शख्सियात हैं कि जिन्होंने मज़हब व मिल्लत के लिए जो क़ुरबानियाँ पेश की हैं, जो दीनी और इल्मी कारनामे हैं, यकीनन वो पूरी दुनिया के लिए लायक सताइश हैं। सरकार मुफ्ती आज़म इनका तो जवाब ही नहीं। आज वही रोना हम रोते हैं कि आज अपने शहजादगान को जो पीरान तरीक़त हैं वो अपना सही मानों में इल्मी वारिस नहीं बना रहे। गद्दी का तो वारिस बनाया जा रहा है, लेकिन अपने असलाफ का जो रूहानी वारिस आज के दौर के सज्जादगान को अपने बच्चों को बनाना चाहिए, वो क्वालिटी इल्ला माशाल्लाह चंद ही खानकाहों में नज़र आती है। सरकार मुफ्ती आज़म हिन्द अली रहमा ने तकरीबन 91 साल की उम्र पाई और चार माह की उम्र में आपकी बिस्मिल्लाह खानी हुई और बहुत कम वक्त में आपने फतवा नवेसी का काम शुरू कर दिया। मुफ्ती आज़म हिन्द अली रहमा का अखलाक किरदार और जो रूहानी तरबियत है, यकीनन खानकाहों का आप अगर दौरा करें तो उस दौर में सरकार मुफ्ती आज़म हिन्द का जो जलवा था, जो मकबूलियत थी, वो दीगर खानकाहों में नज़र नहीं आती थी। सरकार मुफ्ती आज़म हिन्द अली रहमा आला हजरत के वो ज़िल हैं, वो साया हैं कि आला हजरत के बाद बरेली शरीफ का जो इल्मी और रूहानी परचम बुलंद किया वो सरकार मुफ्ती आज़म हिन्द अली रहमा की ज़ात पाक है। सरकार मुफ्ती आज़म हिन्द अली रहमा हर खानकाह की निगाह में बड़े मोतमद थे। हर खानकाह का सज्जादा नशीन और हर खानकाह से वाबस्ता जो मुरीदीन थे वो हुजूर मुफ्ती आज़म हिन्द अली रहमा को बड़ी ही मोहब्बत अकीदत और एहतराम की निगाह से देखा करते थे। आज का जो दौर है वो एक मुरीद दूसरी खानकाह पर कमेंट कर रहा है, एक सज्जादा दूसरी खानकाह पर कमेंट कर रहा है, दूसरे की कमियाँ निकालने पर लगे हुए हैं, लेकिन सरकार मुफ्ती आज़म हिन्द ऐसे मर्द कलंदर और ऐसे रूहानी बुजुर्ग थे कि हर खानकाह का सज्जादा और हर खानकाह का मुरीद आपको मोहब्बत की निगाहों से देखा करता था। चूँकि आपकी तरबियत का आलम यह था, आपकी मुलाकात का आलम यह था कि चाहे किसी सिलसिले का फ़र्द आए लेकिन सरकार मुफ्ती आज़म हिन्द अली रहमा बड़ी खंदा पेशानी के साथ उसके साथ पेश आया करते थे। सरकार मुफ्ती आज़म हिन्द अली रहमा का एक मुरीद था, उसके पास दूसरा शख्स जब आया तो उसने सरकार मुफ्ती आज़म हिन्द की तारीफ़ और तौसीफ़ करना शुरू की कि मैं ताजदार अहले सुन्नत सरकार मुफ्ती आज़म हिन्द से मुरीद हूँ, बड़े नेक मुत्तकी परहेज़गार हैं, आलम रब्बानी हैं। तो उसने कहा कि तुम अपने पीर की बड़ी तारीफ़ करते हो, जरा मुझे अपने पीर से मिलवाओ, मैं देखूँ तो वो कितने पानी में हैं। बहरहाल वो अपने मुर्शिद की बारगाह में ले गया और जो दूसरा शख्स था उसने कहा कि हज़रत आप मुझे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादियों के नाम बताएं, बेटियों के नाम बताएं। सरकार मुफ्ती आज़म हिन्द अली रहमा ने उससे फिर कोई बात ना की, उठे अपने डाइनिंग रूम में गए, अपने मकान में अंदर तशरीफ़ ले गए और जब वापस आए तो आपकी दाढ़ी शरीफ से जो है वो वज़ू के कतरात टपक रहे थे। दूर से ज़ाहिर ये हो रहा था कि सरकार मुफ्ती आज़म हिन्द अली रहमा वज़ू फरमा के आए हैं। और फिर उसके बाद सरकार मुफ्ती आज़म हिन्द अली रहमा ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के नाम बताए। वो कहने लगा हुज़ूर क्या बात है, जब मैंने आपसे नाम पूछा तो आप उठ के चले गए। तो सरकार मुफ्ती आज़म हिन्द अली रहमा ने फरमाया कि मेरी ज़ुबान और मेरा किरदार इस लायक नहीं है कि मैं हुज़ूर की बेटियों का नाम बगैर वज़ू से लूँ। सुभानअल्लाह, ये मुफ्ती आज़म हिन्द हैं कि आज पूरी दुनिया सरकार मुफ्ती आज़म हिन्द को अकीदत और मोहब्बत की निगाह से जानती है। सरकार मुफ्ती आज़म हिन्द अली रहमा ने बरेली शरीफ में दारुल इफ्ता में बैठकर वो फतावे तहरीर फरमाए हैं कि पूरी दुनिया में इंकलाब पैदा फरमा दिया। जब नसबंदी का मामला था उस वक्त की जो कांग्रेस हुकूमत थी उसने बाकायदा पूरी मिल्लत पर पूरे हिंदुस्तान में नसबंदी का कानून नाफिज कर दिया था कि जिसके ज़्यादा बच्चे हैं उसको नसबंदी कराना पड़ेगी, बल्कि जो सरकारी मुलाजमीन थे उनके लिए तो लाजमी करार दे दिया कि हर सरकारी मुलाजिम को नसबंदी कराना होगी। ये हालात मुल्क के थे, मुसलमानों पर थोपथा भी की जा रही थी। जो कांग्रेस नवा थे और जो अंग्रेज़ों के तलवे चाटने वाले मौलवी थे मादल्ला, उन्होंने नसबंदी को जायज़ करार दे दिया। जब सरकार मुफ्ती आज़म हिन्द अली रहमा की बारगाह में ये मामला आया तो आपने डंके की चोट पर नसबंदी के ख़िलाफ़ ऐसा फतवा मुरत्तब फरमाया कि पूरे हिंदुस्तान में इंकलाब पैदा हो गया। आप यकीन जाने कि हुकूमत हिल गई, हुकूमत ने मादल्ला सरकार मुफ्ती आज़म हिन्द अली रहमा को कैदोबंद का हुक्मनामा भेजा कि मुफ्ती आज़म हिन्द अली रहमा को जेल में भेज दिया जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए। तो जो बड़े बड़े नेता थे उन्होंने कहा कि हुकूमत होश में आए, मुफ्ती आज़म हिन्द किसी आम इंसान का नाम नहीं है। अगर मुफ्ती आज़म हिन्द के हाथ में बेड़ियाँ डाली गईं और उनको जेल भेजा गया तो आप समझ लें कि पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान रोडों पे नजर आएगा। सुभान अल्लाह,
कहने का मकसद ये है कि ये बेबाकी, ये जवां मर्दी, ये क्वालिटी आज हमारे अंदर पैदा क्यों नहीं होती, इसलिए कि हमने अपने असलाफ के तौर तरीके को छोड़ दिया है। अगर हम ज़रा गौर करें कि हमारे हुसैन पाक किस कदर जवां मर्दी का मुधारा लेकर मैदान करबला में गए और यजीद के लश्कर के मुकाबले में इधर 82 और 72 हैं और उधर 22,000 का लश्कर है, लेकिन सरकार इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने यह बता दिया कि तादाद नहीं देखी जाती है बल्कि ईमान का तकवा और ईमान की पुष्टि देखी जाती है। जो मैदान में उतरते हैं वो दुनियावी लालच के मुतमन्नी नहीं होते हैं, बल्कि जो मैदान में उतरते हैं वो अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करके अपनी जानों को कुर्बान कर दिया।